मज़ीद वीडियो दिखाने के साथ साथ आपको बताता चलूँ, नज़्म इकराम पीडीएम सरकार और उनके हैंडलर्स को ये लगा था कि अगर हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे तो इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ कोई भी बाहर एहतजाज करने नहीं निकलेगा। जितने पीडीएम सरकार और उनके हैंडलर्स ने पाकिस्तानियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, 10,000 बेकसूर पाकिस्तानियों को जेलों में डाला है और पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों को भी उठाकर ले जाते हैं, लेकिन इमरान खान के चाहने वालों ने पीडीएम सरकार और उनके हैंडलर्स के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आप वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह केपी के लोगों ने आर्मी के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। एक तरफ आर्मी खड़ी है और दूसरी तरफ इमरान खान के चाहने वाले हैं। दरमियान में टायरों को और अमलाक को आग लगाई जा रही है। नाज़रीन इकराम, क्या 9 मई के वाकयात से सबक नहीं सीखा गया? क्या ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स एक बार फिर पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करना चाहते हैं? क्या इनको पाकिस्तान की सालमियत से कोई लेना देना नहीं? ये सिर्फ और सिर्फ अपने इख्तदार की हवस में अंधे हो चुके हैं? ऐसे ही कुछ सवालात सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। हम आपकी भी इन सवालों के बारे में आपकी राय लेना चाहते हैं कि आपकी इन सवालों के बारे में क्या राय है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।